आइए इसके पहले हमने जौहर के मुताबिक मालूमात हासिल की, अब हम जौहर की कमियत के मुताबिक मालूमात हासिल करेंगे। जौहर की कमियत इसके मरकज़े में मरकूज होती है यानी मौजूद होती है, जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और ये जो जौहरी कमियत है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से मरकज़े में मौजूद होती है। जौहर के मरकज़ में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जौहरी कमियती अदद कहा जाता है, यानी प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद इन दोनों का जब मजमूई तौर पर लिया जाता है तो इसे जौहरी कमियती अदद कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मजमूई तौर पर मरकज़े के बुनियादी ज़र्रात कहते हैं। आज के ज़माने में जौहर की कमियत की राज़ पैमाइश करने के लिए बहुत सारे बेनुक्स तरीके ईजाद हो चुके हैं। बेनुक्स तरीके यानी सही पैमाइश करने वाले तरीके ईजाद हो चुके हैं। इसलिए जौहर की कमियत के लिए मुतहदा कमियत इकाई कबूल की गई है, यानी पूरे दुनिया में इसकी जो इकाई है, इसकी जो कमियत की इकाई है वो कबूल की गई है। इस इकाई को डाल्टन कहते हैं, इसलिए इसे म्यू अलामत के इस्तेमाल से जाहिर किया जाता है। इसकी कीमत जो होती है वो 1 म्यू बराबर 1.66053904 जर 10^10 27 किलोग्राम होती है। और ये जो कमियत की इकाई है ये पूरी दुनिया में एक जैसी है, इसलिए एक जैसी है कि ऐसा ना हो कि हर कोई अलग अलग उसको इस्तेमाल करे या उसका गलत कैलकुलेशन करे, गलत पैमाइश करे। इसलिए मुतहदा कमियत इकाई कबूल की गई है। जौहर इंतहाई मोहिन ज़र्रा होता है, तब इसकी कमियत किस तरह मालूम की जाती है? ये सवाल साइंसदानों के सामने भी आया। 19वीं सदी के साइंसदानों के लिए जौहर की कमियत सही तौर पर मालूम करना मुमकिन ना होने की वजह से इन्होंने जौहर की निस्बती कमियत का तसव्वुर किया, यानी जिस वक्त जौहर की सही कमियत नहीं मालूम थी उस वक्त इन्होंने निस्बती कमियत का तसव्वुर किया यानी उसको फ़र्ज किया। जौहर की निस्बती कमियत की पैमाइश के लिए इन्होंने एक जौहर का नमूना लिया। हाइड्रोजन का जौहर सबसे हल्का होने की वजह से इब्तदाई ज़माने में हाइड्रोजन के जौहर का नमूना जौहर के तौर पर इंतखाब हुआ। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद कम होती है हाइड्रोजन में, इसलिए वो सबसे हल्का होता है।